असी चैन की नींद अपने घरां विच सौंदे हाँ क्योंकि साडे देश दीआं सरहदां ते साडे फौजी जवान सख्त पहरा दे के साडी रक्षा करदे हन अते फौजी जवानां दे घरां विच कोई वधीकी ना होवे। इह साडा साडी सरकार अते साडे प्रशासन की मुढ़ली जिम्मेदारी बनती है। आजादी दिवस, गणतंत्र दिवस अते होर कई तरह के दिनों के साडियां सरकारां दे वड़े वड़े लीडर अते उच्च प्रशासनिक अधिकारी फौज के जवानों का यह कह के सन्मान करते हैं कि असी तुहाडे ते फकर महसूस करते हैं, पर जदों उन्हां नूं लोड़ पैंदी है तो असी उन्हां दीआं कुर्बानियां ते देश सेवा नूं भुल जाते हैं। अजिहा एक मामला जिला हुशियारपुर सामने आया है जिथे कि साडे देश का फौजी जवान हरीश कुमार पुत्र राकेश कुमार पिंड रामपुर बिल्लो तहसील गढ़शंकर जिला हुशियारपुर का रहने वाला है, जिसका आरोप है कि पिंड की पंचायत वालों पिछले लंबे समय तो पिंड के छप्पड़ का पानी उसकी जमीन के पाया जा रहा है। इस संबंध में वह जिला हुशियारपुर के डिप्टी कमिश्नर भी मिलिया और अपनी समस्या बारे दसिया। डिप्टी कमिश्नर हुशियारपुर ने हरीश कुमार को कहा कि वह इसकी कंप्लेट अपने पिंड के सरपंच को दे। जो जवान हरीश कुमार पानी की समस्या की कंप्लेट सरपंच को देन गया तो पिंड के सरपंच के पति खेमराज ने दरखास्त लैन की बजाय दरखास्त को फाड़ दिता और हरीश जवान नाल हथोपाई हो पिया और उसनू बन भी लिया। इस सारे मामले की वीडियो हरीश नाल मौजूद किसी व्यक्ति ने बना ली सी। इस तो बाद हरीश कुमार ने सरपंच के पति और उसके घरदियों के खिलाफ दरखास्त SHO थाना गढ़शंकर दे दी है। हुण यह हरीश कुमार फौजी जवान सरकार और प्रशासन तो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इस संबंधी जो पिंड के सरपंच नाल गलबात की तो उन्होंने अपने ते लगे दोषों नूं बेबुनियाद दस्सिया अते कहा कि हरीश कुमार फौजी जवान मेरे घर आके हथोपाई की। इस सारे मामले बारे जो थाना गढ़शंकर के SHO इकबाल सिंह नाल गलबात की तो उन्होंने कहा कि दोनों धिर के वलों दरखास्त दी गई है तो जो बनती कार्रवाई होगी की जाएगी। हुण देखना होगा कि कदों तक दोषियों की कार्रवाई की जाएगी, कि प्रशासन इस देश के राखे की गल सुनता है या उसनू भी अपने इंसाफ लिए दर दर दीआं ठोकरां खाणियां पैणगियां। गढ़शंकर तो अश्नी सहजपाल की रिपोर्ट। हरीश कुमार पुत्र राकेश कुमार वासी बिलड़ों, मैं BSF विच नौकरी करदा हाँ, वोटरां दे धक्के खाने हैं। मैं एक जमीन लई सी मकान बनाने लई जिस विच ग्राम पंचायत धक्के नाल पानी पा रही है। मैं इस संबंध में DC मैडम नूं भी एक दरखास्त भिजवाई सी अपने महकमे वालों, खुद भी मिलिया। मैडम ने बोलिया कि एक तुसीं पंचायत नूं पहले दरखास्त दिओ। अभी इस संबंध में पंचायत दे कोल दरखास्त लैके गए जो कि एक लेडी सरपंच हन, उन्होंने तो साडे नाल गल नहीं की पर उन्हां दे पति ने साडे नाल गल की और उन्होंने ना साडी दरखास्त लई ना उहदी रसीव कॉपी दित्ती। अही बड़ियां उन्होंने मिहनतां कीतियां पर उन्होंने साडी एक नहीं सुनी, वो दरखास्त फाड़ दित्ती, घर च सानू बंदी बनाया और साडे नाल बहुत ज़्यादा धक्काशाही की और पुलिस नूं बुलाया। मैं प्रशासन अगे यही बेनती करता हाँ, कई एक तो वोटरां दे धक्के खा खा के इन्नी मुश्किल नाल नौकरी करते हैं, देश की सेवा करते हैं और इदा के सरपंचा वालों साडे परिवार को सानू इन्ना हरासमेंट किया जा रहा है। मैं प्रशासन अगे यही बेनती करता है जो बनती कार्रवाई सरपंच साहबा के पुत्र जिन्हें साडे नाल धक्काशाही गाली गलोच किया और उन्होंने पति खेमराज सानो नाजर राम इन्हां विरुद्ध बनती कार्रवाई की जाए। प्रशासन अगे यही बेनती करता साडे नाल धक्का ना होवे और सानू वध तों वध इंसाफ दिलवाया जाए। ਮਿਤੀ 1-7 ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰੁੜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ BSF ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਬਣਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।